गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंटीलोग टेबल के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। एंटीलोग टेबल के अंदर हम किस प्रकार से एंटीलोग की वैल्यू को चेक करते हैं। इससे पहले हमने लोग की वैल्यू को चेक किया था लोग टेबल के अंदर। जो एंटीलोग टेबल होती है वो लुक्स लाइक लोग टेबल। जिस प्रकार से हम चार वैल्यू को चेक करते थे लोग टेबल में, उसी प्रकार से एंटीलोग टेबल में भी हम चार वैल्यूओं को चेक करते हैं। ये जो एंटीलोग टेबल होती है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में ये 0.00 से स्टार्ट होके 0.99 तक होती है, ठीक है। उसके बाद जो रो होती है, सब जो फर्स्ट रो होती है उसमें 0 से लेके 9 तक होती है। उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाता है, 1, 2, 3, 4 up to 9। इसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस बोलते हैं। ये चार वैल्यू हैं जिसको हमें चेक करना होता है, ठीक है। जो एंटीलोग है उसके लिए मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं कि किस प्रकार से एंटीलोग की वैल्यू को हम चेक करेंगे। जैसे आपके पास है आंसर, यदि मैं कोई एग्जांपल लूं तो उसके अकॉर्डिंग है कि भाई एंटीलोग और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 15.6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला जो स्टेप है द नंबर द डेसिमल बिकेम द पावर ऑफ 10 इन द आंसर। जो द नंबर बिफोर द डेसिमल बिकेम पावर ऑफ 10 इन द आंसर। जो डेसिमल से पहले जो नंबर है वो उसको हम किस में लिखेंगे, 10 की पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल से पहले क्या डिजिट है, 15 है, इसको किस में लिखेंगे, 10 की पावर 15, ठीक है। इससे पहले कोई भी डिजिट होगा उसको चेक करेंगे, इससे पहले क्या लिखना है। देखो अब हमें लोकेट करना है 0.6 को लोकेट करना है लोग टेबल में। द पार्ट ऑफ द लेफ्ट डेसिमल इज टू बी लोकेटेड इन टू द एंटी लोग टेबल। जो पार्ट बच गया, पार्ट कौन सा बचा, 0.60 पार्ट बचा है, उसको हमें एंटी लोग टेबल के अंदर चेक करना है, 0.6, ठीक है। और 0.6 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 0। हमें देखना है 0.60 को, 0.60 को चेक करना है, 0.60 को 0 पे, और वो जो वैल्यू है वो कितनी है, 3981, ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब क्या स्टेप में आगे कहता है, एंड रिपोर्टेड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको किस में लिखना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट करना है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.981, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, अलोंग विद द पावर ऑफ 10 फ्रॉम द स्टेप 1। और किसके साथ लिखना है, जो पहले स्टेप में हमारे पास आया था उसके साथ लिखना है 981, ठीक है, 3.981। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटीलोग 15.6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास है एंटीलोग है 10.848, ये आपको एंटीलोग की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था, द नंबर बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको किस में लिखना है, 10 की पावर में लिखना है। डेसिमल से पहले क्या है, 10 है, उसको 10 की पावर में लिख दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। जो पार्ट बच गया, ठीक है, लेफ्ट आफ्टर द पावर 10, उसको लिखना है, उसको किस में चेक करना है, लोकेट करना है लोग टेबल में, 0.848 को लोग टेबल के अंदर चेक करना है। ये पार्ट बच गया हमारा, तो इसको सबसे पहले किसको चेक करेंगे, 0.84 को किस पे चेक करेंगे, 8 पे चेक करेंगे, 0.84 को 8 पे। देखो ये एंटीलोग टेबल आपके पास, और 0.84 की वैल्यू को कितने पे चेक करना है, 8 पे। देखो ये 0 से स्टार्ट होती है, कभी 1 से लेके यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ, नहीं, 0 से चेक करना है, 0.84 की वैल्यू को कितने पे, 8 पे, ठीक है। तो कितना होगा, 7047, ये वैल्यू है 7047। अब इसको किस में लिखना है, इसके बाद एंड रिपोर्टेड इन इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 7.047, ठीक है, इसके साथ लिख दो 7.047। दिस इज योर आंसर, द वैल्यू ऑफ एंटीलोग 10.848। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके पास है कि एंटीलोग
21.04 इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था कि डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है उसको किसकी पावर बनानी है, 10 की पावर बनाना है। 10 की पावर डेसिमल से पहले कितना, 21, ठीक है, लिख दिया। अब जो डेसिमल के बाद जो डिजिट बची है उसको लोकेट करना है, ये कितना है 04 है, तो 0.04 को आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0.04 को लोकेट करना है जीरो पे, 0.04 को लोकेट करना है जीरो पे, वो कितना है 1096। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1.096। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एंटीलोग 21.04। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद यदि है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एंटीलोग 12.023 ये वैल्यू है, इसकी आपको एंटीलोग की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप, जो भी डेसिमल से पहले जो नंबर है वो 10 की पावर के रूप में चले जाएंगे, ठीक है, तो कितना होगा, ये कितना है 12, तो 10 की पावर 12। इज दैट क्लियर। 0.203, अब हमें इसको लोकेट करना है। सबसे पहले किसको करेंगे, 0.20 को लोकेट करेंगे, और 0.20 को लोकेट कितने पे लोकेट करेंगे, 3 पे लोकेट करेंगे। 0.20 को लोकेट करेंगे 3 पे, और वो कितना है 1596, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.596, ठीक है, इसके आगे लगा देंगे 1.96। दिस इज योर आंसर फॉर द एंटीलोग 12.203। इसी प्रकार से आपके पास है कि एंटीलोग 10.8, इसको लोकेट करना है एंटीलोग में, टेबल में, एंटीलोग टेबल में, और इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला स्टेप कि जो डेसिमल से पहले जो डिजिट है, नंबर है, वो आपके 10 के पावर के रूप में लिखना है आपको, ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब जो डेसिमल के बाद जो डिजिट बच गए, जो उसको लॉग टेबल के अंदर लोकेट करना है, 0.8, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या होगा 0.80, उसको हम क्या करना है, जीरो पे लोकेट करना है, 0.80 को लोकेट करना है जीरो पे, ये कितना है 63.10। अब इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.130, इसके आगे लिख देना 6.310। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एंटीलोग 10.8, ठीक है। ये जो डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो कुछ भी हो सकती है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये 10 है, ये 110 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। जैसे आपके पास इस प्रकार से हो कि आपको फाइंड द एंटीलोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटीलोग, जैसे एंटीलोग यहाँ पे देखो एंटीलोग, और आपको फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, फाइंड आउट करनी है 030, ठीक है। देखो डेसिमल से पहले क्या है 122, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर के रूप में हो जाएगा 122। सरप्राइज मत होना इस चीज़ को लेके कि भाई इतनी पावर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसको इस प्रकार से हमें लोकेट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या था, हमें चेक करना है 0.03 को लोकेट करना है कितने पे, जीरो पे, आपके एंटीलोग टेबल के अंदर 0.03 को चेक करना है जीरो पे, और वो कितना है 1072, ठीक है। अब इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.072 इज योर आंसर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटीलोग 122.030, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एंटीलोग, एंटीलोग में ही ये हमने जो वैल्यू निकाली है वो कौन सी निकाली है, पॉजिटिव वैल्यूज निकाली है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।